थैंक यू फिर से हमारे वीडियो में आने के लिए। और आज हम यहाँ पर सिमुलेट करेंगे थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके साथ हम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले हम सिम स्केप में जाकर हमारा स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम तो उसको लेंगे और फिर उसको यहां पर डाल देंगे। सिमुलेशन विंडो में डाल दिए सिमुलिंक और फिर उसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा हो गया रेक्टिफायर, थ्री फेज रेक्टिफायर, थ्री फेज हाफ वेव। यहां पर हम अभी हमारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो सिम पावर सिस्टम के अंदर ही है, स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहां से डायोड ले लिए, एंड इसको कंट्रोल शिफ्ट आर देते हैं D1 और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन। इसको थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूं कंट्रोल आर, इस तरह से सही है, और डबल क्लिक कर लेते हैं। ये मेजरमेंट पोर्ट है उसको निकाल देते हैं, मेजरमेंट पोर्ट अभी नहीं चाहिए। सो यहां एक डायोड हो गया, दूसरा तीन डायोड। तो थ्री फेज सप्लाई सिस्टम है तो एक सोर्स चाहिए हमको, वोल्टेज सोर्स कंट्रोल आर। हर वोल्टेज सोर्स को 50 हर्ज एंड पीक एम्पलीट्यूड 100 लेते हैं ताकि नॉर्मलाइज रहे वाई फेज। लैग करेगा 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, फिर बी फेज आर वाई बी, बी फेज भी लैग करेगा माइनस 240। करेक्ट, तो हमारा थ्री फेज सप्लाई हो गया। तो हम इसको ज्वाइन कर दिए, और ये तीनों को शॉर्ट हो गया। अब यहां पर हम इन तीनों को शॉर्ट करके एक पैसिव लोड लगाएंगे, पर सिंपलिसिटी पुट इट आर और उसको 10 ओम्स। हाँ, हमें एमिटर भी ले लेना चाहिए अभी, और एमिटर मेजरमेंट में मिलेगा, सेंसर एंड मेजरमेंट्स, तो वहां से हम एमिटर ले लिए। ये हमारा एमिटर आउटपुट में लग गया और ये हमारा तीनों यहां पर शॉर्ट हो गया। एक एमिटर हम यहां पर भी लगा लेते हैं आर फेज में, क्योंकि हमको आर फेज से कितना करंट जा रहा है वो भी जानना है। वाई फेज में पैटर्न सिमेट्री रहेगा, वाई फेज में एमिटर लगाने की जरूरत नहीं है अभी, आर फेज में रहने से सही है। तो यहां दो एमिटर लग गया और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम यहां पर लगाएंगे, इस पॉइंट को हम ग्राउंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सोर्स और ये इसमें यूटिलिटीज में है
यहाँ पर ग्राउंड कनेक्शन, तो ये ग्राउंड कनेक्शन को यहाँ ले लिए कंट्रोल आर, और फिर इस ग्राउंड को हमने यहाँ लगा दिया। तो इनडायरेक्टली ये जो टर्मिनल है इसको अगर एसएन दिखाकर इसको भी आप कह सकते हैं कि ये वाला ग्राउंड को लगा सकते हैं इसको, तो भी सही होना चाहिए। कनेक्शन यहाँ ग्राउंड लग गया, ये भी ग्राउंड है तो ये काम करना चाहिए। और फिर हमको क्या चाहिए, मेजरमेंट्स करें। एमीटर ले लिया था वोल्ट मीटर, तो ये भी सही नहीं लग रहा, तो इसको निकाल लेते हैं। बेटर होगा कि इस तरह से जाकर सर्किट कंप्लीट लगे, अब सही लग रहा है। और एक है वोल्टेज मेजरमेंट, तो यहाँ वो वोल्टेज मेजरमेंट एक ले लिया, और हमको और तीन वोल्टेज चाहिए इसके जो फेज वोल्टेज मेजर करने में, बिकॉज हम सारे डायोड को लगाए हैं आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, तो लाइन कहीं यहां पर कहीं यूज नहीं हो रहा, तीनों वोल्टेज सोर्स तीनों डायोड में लगा हुआ है, तो यहां पर कंट्रोल आर तो प्लस यहां पर लगा के न्यूट्रल में इसको लगा सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहां पर सिर्फ इसको आर फेज में, इसको लिखो वाई फेज और इसको बी फेज, और यहां जो नेगेटिव पॉइंट है इसको हमने इसके साथ भी लगा सकते हैं या फिर यहां पर लगाएंगे तो सही दिखेगा, करेक्ट। और ये और नेगेटिव पॉइंट है सबको एक ही जगह लगा सकते हैं, तो ये हमारा तीनों वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। अभी इन तीनों को एक ही स्कोप में देखना है, तो मस्क, तो मस्क यहां पर लगाते हैं, तो ये तीनों इनपुट एक ही जगह में आएंगे और वहां से एक आउटपुट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अप्लाई, यहां पर तीनों इनपुट यहां से ले लिए, पहले एक्चुअली आर लेने से सही है, फर्स्ट आर फिर वाई फिर बी, अभी हम स्कोप में दिखा सकते हैं। और यहां पर हम प्लस को लेकर रजिस्टर के पहले और रजिस्टर के बाद, यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। अभी हमने सिंक, सिंक के अंदर क्या है स्कोप, सॉरी डबल क्लिक ऑन द स्कोप, so we can वहां पर पैरामीटर, वी कैन गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, गए यहां पर हमको तीन चीज देखनी है, ठीक है। तो लेआउट में भी 3 into 1 हो गया, 3 rows and 1 column, और यहां पर हम उसका देख सकते हैं बहुत कुछ, सो वो सब बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट वाले में यहां पर ओके, आउटपुट करंट और वोल्टेज देखने की एक साथ जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटपुट करंट और वोल्टेज समान ही पैटर्न होगा, क्योंकि आउटपुट में हमारा जो रेजिस्टिव लोड है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हम एक काम करते हैं कि इनपुट वोल्टेज को पहले देखते हैं, फिर एक फेज में जो करंट है आर फेज उसका जो करंट है वो देखते हैं, और जो आउटपुट का करंट है वो देखते हैं। तो हमने यहां इनपुट करंट और आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज ये तीनों चीज देखा देखेंगे, और यहां पर हम इसको दो साइकिल के लिए लेते हैं 0.04।
एक साइकिल 0.02 है एंड दो साइकिल 0.04 टू साइकिल हो गए। तो यहां पर हमारा अभी स्कोप कंपाइलिंग चल रहा है। थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो यहां पर अगर बहुत सारे सोर्स हैं एंड उनको हम एक पैटर्न रख सकते हैं, जैसे 120 डिग्री फेज डिफरेंस, तो तीन और फाइव फेज करना है तो उसी तरह हम 360 डिवाइडेड बाय 5, तो वैसे करके भी हम कर सकते हैं सिमुलेशंस। अब सही है तरीका, अब ये आ गया आपका। सो यहां पर आपने यहां देखा है कि ये थोड़ा सा स्टेपिंग जैसा लग रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको भी थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। यहां पर हमने पावर जीयूआई को कंटिन्यूअस में रखा था, तो इसको हम डिस्क्रीट में रख देते हैं। अब डिस्क्रीट में रख के फिर से सिमुलेशन रन कर दिया तो डिफरेंस भी देखने मिल जाएगा। यस, अब थोड़ा स्मूथ हो गया, राइट। अभी जो डिस्क्रीट करने से जो स्टेप साइज है हमने फिक्स कर दिया 50 माइक्रो सेकेंड्स में एक एक सैंपल देगा, तो बहुत सारे सैंपल्स होंगे तो ये बहुत पास पास नजर आएंगे और ये स्मूथ कर जाएगा। अब ये क्या है, मतलब इनपुट में हमें RYB थ्री फेज है, तो इसका जो व्यू है वो चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल। तो पहले वाले को हम R फेज और इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, दो, ठीक है। और दूसरे वाले को भी हम मेजरमेंट वन मेजरमेंट टू में, इसमें भी RY येलो होगा और इसका थिकनेस भी थोड़ा बढ़ा देते हैं 2। और जो थर्ड है ब्लू RYB, सो ब्लू यहां पर आ गया, तो इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। आप ये RYB सही दिख रहा है। अब ये जो एक्टिव डिस्प्ले है 1, अब उसकी जगह 2 में जाते हैं। एक्टिव डिस्प्ले 2 में ये R फेज को ही रिप्लिकेट कर रहा है, तो इसको कलर R रहे तो आप भी सही है, अब ये सही लगेगा, ये R फेज का रेप्लीकेट है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा है एक्चुअली तीनों का कॉम्बिनेशन, तो इसको हम ग्रीन देते हैं, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया और इसका थिकनेस भी हम थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, तो ये हमारा अभी आउटपुट वोल्टेज सही दिख रहा है। अभी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट है, नीचे वाला एक्चुअली आउटपुट करंट है, तो उसको भी हम डिस्प्ले में यहां पर लिख सकते हैं, जैसे थर्ड लाइन है हमारा आउटपुट करंट, क्योंकि हमने R लोड लिया है तो वोल्टेज उसी पैटर्न में रहेगा। और जो सेकंड जो फिगर है वो हमें दिखा रहा है कि R फेज करंट, R फेज करंट, सही है। और जो फर्स्ट है वो हमें दिखा रहा है यहां पर इनपुट थ्री फेज वोल्टेज, थ्री फेज वोल्टेज है लाइन वोल्टेज नहीं, तो ये हो गया हमारा थ्री फेज वोल्टेज। तो यहां पर ये रिफ्लेक्ट कर गया इनपुट थ्री फेज वोल्टेज, ये R फेज का करंट, ये आउटपुट करंट। और यहां पर हम ये देखने को मिल रहा है, इसको हम पे एनिमेट करते हैं पहले प्रिंट स्क्रीन और फिर इसको हम पावर बैंड में लेकर चेक करते हैं। अभी यहां पर हमने उसको प्रिंट स्क्रीन प्रिंटर में उसको ले लिया, प्रिंट स्क्रीन से पावर पॉइंट में ले लिया, और यहां पर हम देखते हैं यहां पर क्या है। ये है हमारा VRN, ये R फेज है, ये हमारा VRN जीरो से स्टार्ट हुआ, ये हो गया पाए और ये हो गया 2π। और जो Y फेज है ये 120 डिग्री के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा VYN, इसको मैं VRN, VYN और VBN थ्री फेज वोल्टेज। और BRN कब से कब तक ऑन है, ये ऑन है हमारा 30 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये 90 और ये वाला है 180 माइनस 30, तो 150 डिग्री। तो R फेज जो डायोड, तीन डायोड थे सर्किट डायग्राम में,
तो ये अगर सर्किट डायग्राम को मैं यहां से फिर से बना दूं, यहां पर वन और ये टू और ये हो गया आपका थ्री, तीन डायोड और तीनों में हमने एक एक सोर्स डाल दिया था सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज तीनों में दे दिया और यहां पर जो टर्म है इसको हमने ग्राउंड कर दिया और इस टर्म को टर्मिनल को निकालकर हमने यहां पर भी शॉर्ट कर दिया है और यहां पर एक रेजिस्टिव लोड देकर टेस्ट लगा दिया। अब जो डायोड वन टू थ्री तीन डायोड हैं, इनमें से वही डायोड एक ही साथ टर्मिनल में लगाना इस नोड में, तो वन टू थ्री कौन सा एक्टिवेट होगा, वही एक्टिवेट होगा जो सबसे ज्यादा फॉरवर्ड बायस्ड है। तो इस टाइम पर जो आर फेज है, इस टाइम पर मतलब ये जो टाइम है यहां पर हम बोल सकते हैं यहां पर 0.005 सेकेंड्स, 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड्स, 2 पाई का मतलब 0.02 और पाई का मतलब 0.01। तो इस टाइम पर आर फेज ही पीक में है, तो आर फेज एक्टिवेट हो गया। तो आर फेज एक्टिवेट हुआ 30 डिग्री, मतलब इनपुट में करंट दिखा रहा है कब से कब तक, 30 डिग्री से 150 डिग्री, उसके बाद इनपुट आर फेज से करंट नहीं आ रहा, वी आर एन से करंट नहीं जा रहा, उसके बाद वी वाई एन से करंट जा रहा है। तो वी वाई एन से करंट, तो वाई फेज में अगर हम एमीटर लगाते तो वहां पर दिखता, फिर वी बी एन से करंट जा रहा है। तो इस तरह आर फेज का करंट सिर्फ एक ही टाइम में आ रहा है और आउटपुट में जो करंट है, ये जो आउटपुट करंट हम देख रहे हैं, इस आउटपुट करंट में आर फेज वाई फेज और बी फेज तीनों का मिक्स होकर करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो आउटपुट रिफ्लेक्शन हो गया इस वेव फॉर्म का, ये रिफ्लेक्शन इस तरह से हम समझ में आया कि इनपुट करंट कैसा दिखता है। इनपुट करंट सिर्फ देखो कि अप टू 0.02 सेकेंड्स में इनपुट करंट सिर्फ एक ही बार दिखा रहा है, 0 से 2 पाई तक सिर्फ एक ही बार आया, वो भी 120 डिग्री तक, 120 डिग्री के लिए। 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो इसको 120 डिग्री लिखे या 120 बाय 180 इंटू पाई, या फिर हम इसको उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय 3, अप टू 2 पाई बाय 3 रेडियन के लिए इनपुट करंट आर फेज शेयर कर रहा है, उसके बाद फिर 120 डिग्री के लिए वाई फेज शेयर कर रहा है, फिर 120 डिग्री के लिए बी